हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। थाना सिटी बरनाला और धनोला थाने की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 50 ग्राम हेरोइन, 50 नशीली गोलियां, 1 लाख रुपए की ड्रग मनी, चावल की 20 गांठें और 3 गाड़ियां बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी वीजा लगाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 दोषियों को किया गिरफ्तार। 26,70,000 रुपए नगद और 5 पासपोर्ट किए बरामद। जीरा के सनेर गांव में चोरों ने रात के समय खेतों में लगी पानी की मोटरों पर लगे लोहे के गेट किए चोरी। ग्रामीणों ने चोरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग। अब हलचल विस्तार से। थाना सिटी बरनाला की पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 50 ग्राम हेरोइन, 50 नशीली गोलियां, 1 लाख रुपए की ड्रग मनी और 1 वरना कार भी बरामद की है। तो वहीं एक और मामले में धनोला थाने की पुलिस ने गोदाम से जीरी चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कुछ दिन पहले धनोला स्थित एक गोदाम से 50 किलो चावल की 94 गांठें चोरी की थी। सभी आरोपी पटियाला जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बोलेरो गाड़ियां और चोरी की चावल की 20 गांठें बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP बरनाला सतवीर सिंह ने बताया कि बरनाला पुलिस ने चोरी और नशा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि सभी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की और गहनता से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जी साढ़े माणयोग SSP बरनाला श्री संदीप कुमार मलिक IPSG के दिशा निर्देशों से जो समाज विरोधी अंसरां खिलाफ बरनाला पुलिस वालों मुहिम चलाई गई है उसके अंतर्गत साड़ी सब डिवीजन बरनाला दे विच थाणा सिटी बरनाला ते थाणा धनौला की पुलिस ने 2 वख-वख मामलों दे विच कामयाबी हासिल की है। जिदे विच एक तां थाणा सिटी बरनाला दे मुख अफसर इंस्पैक्टर लखविंदर सिंह ते उन्हां दी टीम ने एक नशा तस्करां दे ग्रोह नूं फड़िया जिदे विच अजय शर्मा उर्फ गोरा वासी बरनाला इहदे नाल ही हरप्रीत सिंह उर्फ पीता, अमृतपाल सिंह उर्फ चूचा ते सुखदेव राम उर्फ सुखू ये सारे बरनाले के रहने वाले ने। इन्हां दे खिलाफ मुखबरी हासिल हुई सी कि नशा तस्करी का काम बरनाला जिले दे विच कर रहे ने, बरनाले शहर विच कर रहे ने। सो मुखबरी के आधार पर मुकदमा नंबर 426 अधीन मिति 24/9/2024 अधीन धारा 21-22 NDPS एक्ट दर्ज किया गया। तो इन्हां चारे दोषियों को गिरफ्तार करके इन्हां पासों 50 ग्राम हैरोइन, 50 नशीलियां गोलियां, 1 लाख रुपया ड्रग मनी जो कि इन्होंने नशा बेच के इकट्ठी की थी, ते एक वरना कार जिहड़ी है बरामद की गई है। तो यह सारे दोषियों अज्ज माणयोग अदालत में पेश करके इन्हों का रिमांड लिया जाएगा ते फरदर इन्हों के जिहड़े बैकवर्ड लिंक्स ने उन्होंने ट्रेस किया जाएगा। सर पहला भी मामले इन्हां दे इन्हां दे उत्ते पहला भी अपराधिक मामले दर्ज ने ते फरदर इन्हां दी तफ्तीश च अगे होर भी सानू तत्थ सामने आउणगे। इस तरह थाणा धनौला की पुलिस ने एक जिहड़ा चोरियां करन वाले गैंग का पर्दाफाश किया है जिहड़े कि वख-वख गोदामां दे विच शैलरां दे विच ते अपने वेयरहाउसिस दे विच जीरी की चोरी नूं अंजाम दिंदे सी। ये जी जो मामला है करन गर्ग वासी बरनाला इन्हां ने धनौला पुलिस पास अपना बयान दर्ज कराया सी कि इन्हां दा टांडियां ढाबे दे कोल संगरूर बरनाला रोड ते एक वेयरहाउस बनाया होया है जिथे मिति 15/16/2024 दी दरम्यानी रात नूं अणपछाते बंदियां ने इन्हां दे जिहड़ा वेयरहाउस दी एक कंध नूं जिहड़ा पाड़ ला के ते 94 बोरियां चावल जो कि 50-50 किलो दे गट्टे सीगे वह चोरी कर ले सी। सो मुकदमा नंबर 110 मिति 16/9/2024 अधीन धारा 331-4 ते 305 BNS 2023 थाणा धनौला दर्ज किया गया सी अननोन व्यक्तियों के खिलाफ। सो साढ़े थाणा धनौला के मुख्य अफसर इंस्पैक्टर
ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅੰਗੋਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾਸ ਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਵਾਸੀ ਲਬਾਣਾ ਕਰਮੂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 6 ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਗੁਰਦਾਸ ਵਾਸੀ ਲਬਾਣਾ ਕਰਮੂ, ਰੋਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਵਾਸੀ ਨਾਭਾ, ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬੋਨਾ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨੀ ਵਾਸੀ ਅੰਗੋਲ, ਜੰਗਲੂ ਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਨ ਵਾਸੀ ਕਕਰਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ 6 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਬੋਨਾ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਅਪ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਪਿਕਅਪ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ 20 ਗੱਟੇ ਚਾਵਲ ਜੋ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰ ਵਿੱਚ ਬੇਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਛੇਂਦਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕਰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਓ ਸੇ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਕਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੁਖਯ ਦੋਸ਼ੀਓ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਅਧਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਉ ਤਲਵੰਡੀ ਭਿੰਦਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਥੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਔਰ ਪਰਿਚਿਤੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ 25 ਅਸਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਖਨਊ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਸੌਂਪੇ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਸਲ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਥਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਿਵਾਸੀ ਟੀਚਰ ਕਲੋਨੀ ਬਾਲਾਚੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ SBS ਨਗਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਓ ਕੋ ਨਗਦ ਔਰ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇਦਨ ਕੇ ਲੀਏ ਦੀਏ ਗਏ ਅਸਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟੋ ਮੈਂ ਸੇ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਉਰਫ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗੇ ਹੋਏ 22 ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਥੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਜ਼ੀ ਥੇ ਔਰ ਇਨਮੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਟੀਕਰ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਥੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਲੰਧਰ ਮੈਂ IPC ਕੀ ਧਾਰਾਓਂ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਰੋਪੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਔਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੋਲਿਫਿਨ ਹੋਟਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸੇ 26,70,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਔਰ 5 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਆਗੇ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜੀਰਾ ਕੇ ਸਨੇਰ ਗਾਓ ਮੈਂ ਚੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹੈ। ਚੋਰੋ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਕੇ ਸਮੇ ਖੇਤੋ ਮੈਂ ਲਗੀ ਪਾਨੀ ਕੀ ਮੋਟਰੋਂ ਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਇਆ ਔਰ ਮੋਟਰੋਂ ਪਰ ਲਗੇ ਲੋਹੇ ਕੇ ਗੇਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੀਏ, ਜਿਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਗਾਓ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨੋ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਨੇਰ ਗਾਓ ਮੈਂ ਚੋਰੋਂ ਕਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਰ ਰਾਤ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰੋਂ ਕੀ ਤਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਉਨ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤੋਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਚੋਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਗੇ ਬੜਾਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਲਗੀ ਮੋਟਰੋਂ ਕੇ ਲੋਹੇ ਕੇ ਗੇਟ ਚੁਰਾ ਲੀਏ, ਜਿਸਸੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣੋਂ ਕੋ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣੋਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਇਨ ਚੋਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ।
जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। जी प्रशासन साडा कुछ नहीं कर रही, साडे तल चोरियां जाने के बहुत हो रही हैं, किते किते गेट लै गया, किते कोई चोरी किते कोई चोरी। ते कल एक बुढ़ी ने इत्थे रोड दे उत्ते जीरे वाले दे बहन दिहाड़े ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁੰਭਕਾਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਸੁਨੇਹਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਖੋਹੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਬਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਧਰੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇੜਤੀਆਂ, ਗੇਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਅੱਠਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਗੇਟ ਪੱਟ ਕੇ ਇਹ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੰਧਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ SSP ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਮੇਂ ਥਾਨਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਕਸ਼ੇਤਰ ਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਕੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਥਾਨਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਲ ਜਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕਰ ਕੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਕਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਵਾਓਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਬਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ ਕੀ ਦਵਾਓਂ ਔਰ ਉਨਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਗਹਿਨਤਾ ਸੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੀ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਕ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ SSP ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਜਾਂਚ ਆਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆਓਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਕੋ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਆਵਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਮੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਯਦੀ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਦਿਗਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਤੋ ਵੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕਾ ਇਹ ਮਾਨਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸਕ੍ਰਿਯ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ SSP ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ASI ਕੀ ਪਿਸਟਲ ਛੀਨ ਕਰ ਖੁਦ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਕੀ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਯੁਵਕ ਕਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਸਦਸਯੋ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੁੰਮਣੇ ਆਇਆ ਥਾ ਔਰ ਵੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਮੇਂ ਰਹਿਤਾ ਥਾ। ਵੋ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੀ। ਉਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੇ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੀ ਉਮਰ
करीब 31 साल है। उसने कहा कि इसके दो भाई और हैं, जबकि उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसने कहा कि मृतक का अंतिम संस्कार अमृतसर में किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीते दिन खुद को गोली मारने वाले युवक की पहचान हो गई है और वो तमिलनाडु से है। उसके परिजनों से बातचीत की जा रही है, फिलहाल उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी परेशानी जरूर है। वे भी जल्द ही अमृतसर आ रहे हैं और उसके बाद इस युवक के शव को उन्हें सौंप दिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक है ना, मैं तो अमृतसर में ही रहने वाला हूँ। ये इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, ये घटना के बाद किसी ने मेरा नंबर दिया है, मेरे को कांटेक्ट किया, इसी तरह हो गया है तो इन्होंने बताया हमारे हेल्प करो, तो इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गया है। वैसे तो लड़का क्या कहता है, किसी उम्र की है? 21 ईयर का है। वैसे क्या काम कर रहा था? तो ये एक आइसक्रीम कंपनी में काम कर रहा था। कोई प्रॉब्लम चल रही थी घर पे? उनका घर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, ये लड़के का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था, डिप्रेशन था कि ये बीच बीच में घर से निकल जाता था। नहीं, उनको पहले तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि पिस्तौल वगैरह तो नहीं चलाना आता था। तो अमृतसर में क्या करने आया था? वैसे घूमने के लिए आया था, वो घर से निकला था कि मैं फिल्म देखने जा रहा, तो वैसे निकला शाम को तो घर आया नहीं है, तो तीन दिन पता नहीं चला, चौथे दिन यहाँ से वीडियो कॉल कर दिया। घर से निकल जाता था कभी? हाँ, पहले भी दो तीन बार कर दिया ऐसे। थोड़ा सा डिप्रेशन था इनका, लगता कि इतना बड़ा कांड कर दिया, अपने आप को खुद को गोली मार ली। हाँ, क्या करना चाहोगे? तो पर ये तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये तो लेकिन मानसिक तौर पे एक बंदा ऐसे प्रॉब्लम में पड़ गया है, तो हमें कुछ नहीं बता सकते। उनके फैमिली वाले सब इधर है, उनके मम्मी हैं, उनका बाप नहीं है, तो बाकी ताया पुलिस पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है, तो पुलिस की साइड से पूरी मदद की जा रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेड बॉडी कर रहे हैं? डेड बॉडी ना, यहाँ पर ही आखिरी संस्कार करके जाएंगे। परिवार के मेंबर कितने पहुंचे? परिवार के मेंबर अब ये दो लड़के और हैं, इसका दो भाई थे, अभी माँ है, तो बाप के पहले डेथ हो गए। उत्तराखंड का रहने ना? ये तमिलनाडु के, तमिलनाडु के। कितना पढ़ा हुआ है? ये 10th करके डिप्लोमा किया हुआ है एसी मैकेनिक, मैकेनिक समय। तो जहाँ पे घूमने के लिए आया था? घूमने के लिए आया। ऐसी मंशा नहीं थी कुछ की, कोई गोली वगैरह फोड़ कहीं चलाने की? नो 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 नो, ऐसा तो कुछ नहीं था। आपको कैसे पता लगा? तो परिवार वालों का बयान से पता लग गया है। यह 22 तरीक का वाकया जी, ये मैं पहले भी दस चुका भी डिटेल जानकारी जी ना सारे सीनियर देंगे, बकायदा ये संबंध में पीसी की जाएगी, डिटेल जानकारी दी जाएगी। फिलहाल असी उन्होंने बंदे आइडेंटिफाई किया है, तो वह पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। देखो घरों चल के आया, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रही गलबात, सारा डिटेल जानकारी पोस्टमार्टम तो अं लवे, उस डिटेल जानकारी बाद दी जाएगी। दुनिया भर में शांति के धागे बुनना शीर्षक वाली ये खूबसूरत कलाकृति प्रेम और समर्पण के साथ तैयार की गई है, जो विश्व शांति का गहरा संदेश देती है। सेना छावनी के भीतर स्थित ये भित्ति चित्र एकता, सद्भाव और शांति का प्रतीक है। सेना की जवानों की पत्नियों द्वारा एक अनूठी पहल के हिस्से के रूप में डिजाइन की गई इस परियोजना का उद्देश्य इन मूल्यों को सीमाओं के पार फैलाना है। इस प्रयास का विचार गोल्डन एरो डिवीजन की सेना पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्ष शिखा शिरोण का है, जो खुद कला की परिवर्तनकारी शक्ति में पूरी लगन से विश्वास करती है। शिखा ने कहा कि कला में सीमाओं को पार करने और संबंध बनाने की शक्ति है। उन्होंने पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस भित्ति चित्र के माध्यम से हम दुनिया को शांति और सद्भाव अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। भित्ति चित्र का उद्घाटन फिरोजपुर की एसएसपी सौम्या मिश्रा ने किया, जिन्होंने कलाकारों की रचनात्मकता की सराहना की और उम्मीद जताई कि यह कलाकृति छावनी की दीवारों से कहीं आगे तक गूंजेंगी और वैश्विक स्तर पर शांति की किरण के रूप में काम करेगी। सेना की पत्नियों द्वारा की गई ये पहल शांति को बढ़ावा देने में कला और समुदाय की शक्ति का प्रमाण है। उम्मीद है कि शांति की दीवार भविष्य में
पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे वॉल पेंटिंग की है, इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि हम पूरे देश में जो भी है अपना शांति पीस चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो भी हो अपने शांति से अच्छे से हो जाए। तो मैम इसका मैसेज आपने एक पेंटिंग के जरिए दिया? पेंटिंग के जरिए दिया है, हम लोगों ने सब ने एक कोशिश की है अपनी पेंटिंग के जरिए अपना पूरे देश में फैलाने के लिए की। आप कितने आर्टिस्ट थे यहाँ पे? हम टोटल 15-16 आर्टिस्ट है। 15-16 ने तैयार किया है? हाँ सर। व्हाट्स योर नेम? मोनिका। मन में थैंक्स टू आवर लीडर मिसेस शेरोन, सारा उनका आइडिया था, हम सब ने एग्जीक्यूट किया है एंड इट्स अ टीम वर्क एंड दिस इज व्हाट शी वांटेड, मतलब अमेंड कर करके कि फाइनल लुक जो होना चाहिए दैट इज टोटली इट वाज इन हर माइंड, मिसेस शेरोन के माइंड में था एंड हमने एग्जीक्यूट किया एंड वी होप इसके थ्रू जो हम मैसेज देना चाहते हैं इन द वर्ल्ड फॉर पीस एवरीवेयर in all the countries around the world, वो हम दे सकें and काफ़ी दूर तक ये मैसेज जाए। मैम कितना टाइम लगा आपको ये सारी वॉल को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए? अप्रॉक्सीमेटली अ मंथ, अ मंथ्स टाइम। तो ऑन एंड ऑफ, मतलब हम मॉर्निंग्स में आते थे बिकॉज डे टाइम बहुत गर्मी हो जाती है, तो मॉर्निंग में आके एवरीबडी। तो कितने लोगों की मैम इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट हुई, कितने जो है आपके साथ जो मेंबर्स के साथ हैं? काफ़ी लेडीज थी हमारी सारी फ्रेटर्निटी की, हमारी तो बेसिकली आर मोटो इज ओनली टू लिव विद पीस एंड हार्मनी, सो दैट इज व्हाट वी आर पोर्ट्रेइंग यू नो ऑन द वॉल। वसुधैव कुटुंबकम जो बोलते हैं, इट इज ऑलवेज बीन विद इन द हाउस, नाउ वी हैव यू नो वी वांट दिस टू बी पोर्ट्रेड थ्रू आर्टिस्ट। एज शी सेड कि हम मॉर्निंग में आते थे बिकॉज इट इज लाइक वेरी हॉट एंड ह्यूमिड हियर, सो मॉर्निंग डे टाइम में एंड वी ऑल हैव स्मॉल किड्स, सो मॉर्निंग वॉज द यू नो बेस्ट टाइम फॉर अस, तो 2-3 आवर्स वी यूज टू स्पेंड एवरी डे हियर एंड इट हैज़ बीन टेकन लाइक 1 month टू कम्प्लीट दिस। और अगर हम अपने मन की बात करूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव 1 message टू एवरीबडी, जो हमारे दिमाग में आता था ये करते वक्त, दैट टू हैंडल योर सेल्फ यूज़ योर हेड एंड टू हैंडल अदर्स use your heart, that is the only message I want to give to everybody. आज आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन ने वॉल ऑफ पीस इनॉग्रेट है फिरोजपुर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में एंड एज यू कैन सी इट्स अ ब्यूटिफुल वॉल। आई थिंक ये पीस ही नहीं डिनोट कर रहा है, ये फेथ होप और जो सारी चीज़ें हमारी आर्मी सिम्बॉलिक है उसको डिनोट कर रहा है, हमारी जो फोर्सेज हैं उसको डिनोट कर रहा है। आई बिलीव कि इन सारों ने बहुत ही उम्दा प्रयास किया है कि दे हैव कम फॉरवर्ड एंड सारी आर्मी वाइफ्स ने मिलकर ये एक तरह का जोड़ा मैसेज हैगा साढ़े फिरोजपुर नहीं पूरे पंजाब से पूरे भारत में दिता है कि देखो पीस इज़ वॉट वी आर एमिंग फॉर एंड एज आर्मी वाइफ साइलेंटली वेट फॉर देयर हस्बैंड्स हु आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर। आई थिंक उन्होंने बहुत ही वधिया मैसेज दे के सानू और भी प्रेरित करता है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सो हम लोग ये हमारा जो सामने दिख रहा है आपको सेंटर, यहाँ हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस होती हैं लेडीज़ के लिए, सो ये वॉल बड़ी अगली सी लगती थी मेरे को, मैं जब भी आती थी सो मैंने सोचा इस पर कुछ करते हैं। सो देन करते करते ये आइडिया है कि वाई डोंट वी गिव अ मैसेज ऑफ पीस टू द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जितने भी वॉर कंट्रीज हैं, जो वॉर के अंडर कंट्रीज हैं, उनके फ्लैग्स लिए हैं एंड ऑल द वुमेन डिपेक्टिंग दोज कंट्रीज एंड वी आर जॉइनिंग हैंड्स टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक वी शुड मेक पीस इन द वर्ल्ड। पहले भी जो ऐसी एग्जीबिशन पेंटिंग के जरिए पहले भी लगाई जाती थी तो वो एक तरीके का उसके साथ का ही ये चीज़ है, यही समझ लीजिए, बिकॉज मैं हमेशा मेरा एक वो रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट ऑफकोर्स, लेडीज़ का जो हुनर है वो लोगों के सामने आए, क्योंकि कई होते हैं जो हुनर होता है बट वो दिखा नहीं पाते, सो वो मेरा हमेशा से पर्पस रहता है कि मैं किसी को अगर इंस्पायर कर सकूँ और मोटिवेट कर सकूँ तो कम। तो मैम क्या लगता है, क्या जो तस्वीरों के जरिए हम कोई मैसेज दे पाते हैं? मुझे लगता है कि तस्वीरों के जरिए जो मैसेज दिए जाते हैं वो सबसे पावरफुल मैसेज होते हैं, क्योंकि एंड उसमें एक चीज़ और भी है कि हर इंसान जिस नज़र से उस तस्वीर को देखता है वो अपना मैसेज खुद ले बनाता है और खुद देता है, सो वो काफ़ी ओपन मैसेज होता है, यू कैन इंटरप्रेट योर ओन मैसेज एंड एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक तस्वीर ही जरिया है मैसेज देने का। आर्ट की ये है, मेरे ख्याल मुझे लगता है कि आर्ट इज एनरिचिंग फॉर योर सोल एंड आज के ज़माने में जब हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज़ से, आप लोग मेंटल हेल्थ की हमेशा बात सुनते हैं हम लोग, सो दिस इज ऑल, ये सारी देन जो है वो मटेरियलिज्म की देन है, ऑल दीज मेंटल हेल्थ। आप सोचिए पुराने ज़माने में लोग
बिजी मतलब छोटे छोटे चीज़ों में रहते थे, घरों में संगीत के प्रोग्राम होते थे, गाती थी लेडीज़ नाचती थी वो, तो ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ वगैरह नहीं होता था। अभी वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, हम लोग मोर इनटू द मटेरियल कि मेरे पास गाड़ी कैसी है, कि मैंने कपड़ा क्या पहना है। सो मुझे लगता है कि अगर हम आर्ट की तरफ जाएंगे, वो चाहे म्यूज़िक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो इट विल गिव पीस टू आवर माइंड, टू आवर सोल एंड टू आवर सोसाइटी आल्सो। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाट आई फील। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल जालंधर की ओर से सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के श्री राम हॉल में चल रही श्री राम कथा के छठे दिन की शुरुआत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित श्री राम भक्तों को कहा कि राम नाम में अपार शक्ति है। इसमें तीन अक्षर है, रौ आ और मौ। रौ अग्नि का बीज है, आ सूर्य का बीज है और मौ चंद्रमा का बीज है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा सृष्टि का आधार है। उन्होंने कहा कि राम नाम तो इन तीनों का आधार है। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, आरएसएस से सुनीता दत्ता, प्रधान हरेकांत झा, समाज सेवक अनिल शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर हरेकांत झा, कैशियर भगवान दास, पूर्व प्रधान एवं पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, वेद प्रकाश, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज प्रताप सिंह, अशोक शर्मा, मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मंडली की तरफ से हार्दिक स्वागत है और आज की छठे शाम की संध्या में जो राम कथा में हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन का मैं नाम पुकारूं वो के मंच के पास आए और आज की जलपोत का पूजन का शुभारंभ कराएंगे। सबसे पहले हमारे पूजनीय जो आश्रम की सेवा में लगे हुए हैं, काशी वाराणसी से आए हुए हैं, आदरणीय पूजनीय त्यागी जी महाराज मंच के पास आएंगे, चंद्रपाद का पूजन करवाएंगे। इनके साथ श्री रजिंदर सिंह जी जो गुरु महाराज जी की सेवा में दिन रात, जब से गुरु महाराज जी अमृतसर से आए हैं और जब तक यहीं स्थान पर रहेंगे और ये गाड़ी लेकर उनका सेवा में लगे हुए हैं, श्री रजिंदर सिंह जी। और इनके साथ श्री तेज प्रताप सिंह जी, राम लखन जी, अजीत शर्मा जी। राम परम दत्तो परमार्थ है, राम जब परम तत्व है, परमार्थ है, तो सीता परमार्थ दृष्टि से उनसे अभिन्न है। जाना सीताराम अभिन्न है, जैसे सीताराम अभिन्न है, इसी प्रकार से सभी पति पत्नी को अभिन्न भाव से रहना चाहिए। एक दूसरे की निंदा बिल्कुल नहीं करना। हाथ से संकल्प ले लो कि एक दूसरे की निंदा नहीं करना है, निंदा करने से दूरियां बढ़ जाएंगी। निंदा भेद में होता है, अभेद में नहीं। राम परम तत्व परमार्थ है और सीता परमार्थ दृष्टि से उनसे अभिन्न है और व्यवहार दृष्टि में, व्यवहार दृष्टि से उनसे मिलाने वाली है। व्यवहार दृष्टि से सीता जी राम से मिलाने वाली, जिनकी ऊपर सीता की कृपा कटाक्ष कर दे वो भगवान से मिल जाए, उनकी नित्य अत्यंत शक्ति है और उसी रामायण में
उन्हें माया नर्तकी भी है, उनकी माया नर्तकी भी है। भरत जी उनके नित्य दास है। भरत जी क्या है? राम के नित्य दास हैं। जैसे राम प्रसन्न हो भरत जी वही करते हैं, चाहे नजदीक रहना पड़े चाहे दूर रहना पड़े, लेकिन जिसमें राम प्रसन्न हो भरत वही करेंगे। भरत की विशेषता है कि अपनी कोई उनकी प्रसन्नता नहीं, और राम की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता है। उसी का नाम दास होता है, उसी का नाम भक्त होता है, तो जुड़ा हुआ है, इधर नहीं कर सकता। राम की प्रसन्नता ही भरत की प्रसन्नता है। भरत ननिहाल में भेज दें तो भरत जी ननिहाल में रहेंगे, तो ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं रहेंगे और कहीं चले जाएंगे, और नगर को छोड़ करके वन में जाए, राम नगर को छोड़कर अयोध्या को छोड़कर के जंगल में वन वन में जाए तो राम जी कहेंगे जाओ अयोध्या में रहो। और कैसे रहते हैं? वैराग भाव से रहते हैं, भोग भाव से नहीं रहते हैं, भगवत भाव से रहते हैं। तेही पुन बसातर भारा
पूजा पाठ खूब करती है, व्रतोपास खूब करती है, दर्शन भी खूब करते हैं, दान धर्म भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, वो सब ठीक है, पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि तत्व में हम एक हैं। अगर एक का ज्ञान बना रहेगा तो दूसरों का जो खड़यंत है अलग अलग करने का, भेद का, तो भेद का ज्ञान नहीं चल पाएगा। राम जी के ऊपर नहीं चल पाया, भरत जी के ऊपर नहीं चल पाया, झंडा लेके चलते ना लोग और कहते हैं कि जय हो इंकलाब। फांसी पर चढ़ लगा पता नहीं जिंदा हो, तो उसको ऊंचा किसने किया? बोले दंड समान भयो जस जाका, जैसे दंडा झंडे में लगा दो दंडा को तो ऊंचा हो जाता है, ऐसे लक्ष्मण जी रखो कि झंडे को ऊंचा। लक्ष्मण जी का ये यश है और वो गंगाधर यशस्वी होता है, क्या है जो झंडे को गंगा बन कर देखना चाहिए ना। गंगा लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का जो यश है वही गंगा बन। और उसमें राम जी कीर्ति को ऊंचाई में जाकर फहरा दिया। राम जी की कीर्ति को ऊंचाई में फहरा दिया, राम की कीर्ति पताका को ऊंचाई पर फहराने वाला लक्ष्मण का चक्र है। किसी से दुनिया में लक्ष्मण जी डरते नहीं है, बाबू किसी से नहीं डरते। भरी सभा में जनक जी ने कह दिया, जनकपुर की स्वयंवर के समय पर जनक जी ने भरी सभा में बोल दिया, तजहु आस निज निज से खा दी है और उसे राम जी को खड़े हो जाते कि मैं भी हूं और राम जी कहते मैं धनुष तोड़ सकता हूं तो क्या यह अच्छा लगता क्या बोलू? तो मैं पता ही चलता कहां बैठे किसके सामने क्या बोलना है, थोड़ा धरना शुरू कर देते हो। उसमें रामचंद्र जी का यश नहीं पड़ता, जरा ध्यान रखना। लोग कहते कि बड़ा अभिमानी है ये, लोग यही कहते ना, अरे राम बड़ा अभिमानी है, लोग यही तो कहते ना कि राम तो बड़ा अभिमानी है, खुद ही उठकर खड़ा हो गया और कहता मैं भी हूं, लेकिन लक्ष्मण जी खड़े थे। व्यास गद्दी पर विराजमान पूज्य नारायण शंकराचार्य जी जो काशी से हर साल इंद्र की गुप्त नगरी पे पधारकर हमारे इंद्र शहर के लोगों को बहुत ही अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं सबसे पहले महाराज श्री का यहाँ पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ और नारायण सेवा समिति आदरणीय डा साहब, आदरणीय भगवानदास शर्मा जी, अजय मल्होत्रा साहब,
और इनकी पूरी प्रबंधक टीम और हमारे सोडल कार्यसेवा कमेटी के सारे मेम्बरान, पूज्य मातृशक्ति आदरणीय महानुभाव, आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री का यहाँ पे आगमन हुआ और 9 दिन लगातार महाराज श्री ने यहाँ पर रामायण का जो उच्चारण करना है। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज जो महाराज श्री ने लक्ष्मण और श्री राम का जो उनको पूरा वृतांत सुनाया, ये घर घर में ऐसी बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से वनवास तो श्री राम को 14 साल का हुआ था मजेदार, लेकिन भी लक्ष्मण जी और मां सीता जी ने अपना धर्म समझते हुए 14 साल श्री राम के साथ वनों में बिताए कि ऐसी शिक्षा आज हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं। विचार करने वाली बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पंजाब में हर माँ बाप बड़ी लगन और भाव से अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, काबिल बनाता है, उसके बाद उस बच्ची का शादी होती है तो उस बच्ची का वो दूसरा जन्म होता है। जब वो लड़की दूसरे घर में जाती है तो उस घर का सारा जो रीति रिवाज है वो कई बार अलग होते हैं। अगर माँ ने उसको सही संस्कार नहीं दिए तो बच्ची वहां पे जाके भटकते हैं। आज बेटियां अपनी सास को अपनी माँ नहीं समझती, नंद को अपनी बहन नहीं समझती और उसी वजह से घर में कलेश पड़ते हैं। और जो बच्ची 25 साल माँ बाप ने पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, और जब वो नाराज होकर अपने मायके घर वापस आती है तो उस माँ को पूछ के देखो उसके मन पे क्या बीती। अगर उसी माँ ने उस बच्ची को अच्छी शिक्षा दी हो, जैसे जब सीता माँ ने अपने ससुराल जाना था तो माता ने चारों बेटियों को बताकर ये कहा था कि अपने मायके घर का, अपने सोले घर में मान नहीं करना, तो आज ये हमारे में कमी है। उसी वजह से हमारे परिवार टूट रहे हैं और आज घरों में कलेश है, भाई भाई का कलेश है। तो हमको लक्ष्मण जैसा बनना चाहिए, भरत जैसा बनना चाहिए कि 14 साल भरत ने खड़ांगों की पूजा करके अपने भाई की आगे का पालन किया। ऐसे आदर्श को महाराज श्री दे रहे हैं हमको, अपने जीवन में उतारोगे तो इनका यहाँ पे आना सफल होगा। नारायण सेवा समिति का जो इतना बड़ा प्रसाद है ये सफल होगा। अगर यहाँ पे आए हैं लंगर छक लिया बाहर जाकर सब भूल गए तो फिर कोई मायना नहीं। ये लोग, ये संत पुरुष हमारे पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हैं। अगर आज हिंदुस्तान बचा हुआ है तो इन लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सनातन की रक्षा कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो महाराज श्री हमको आदेश उपदेश देके जा रहे हैं अपने जीवन में उसको ढालेंगे तो हमारी जो आज की कथा है वह सफल होगी। अगर 5 लोग भी यहाँ से इनकी तालीम को ले गए तो महाराज श्री का यहाँ पे आना सफल हो जाएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरे महाराज जी से लगभग 15-20 साल से जब महाराज श्री आ रहे हैं मेरा इनसे प्यार, हमारी बहनें भी बैठी हैं, ये भी इन्होंने वहाँ पे एक यहाँ पे गाजी गुल्ला में बड़ा प्रसाद किया था, मैं आपको नमन करता हूँ। महाराज श्री बहुत बढ़िया, ये हमारी बहनें बैठी हैं जो बहुत प्रसाद की, बहुत मेहनती है। ऋतु शर्मा जी हमारी बहन जी हैं, बहुत ही मेहनती, इनकी पूरी टीम बहुत मेहनती है, बहुत धार्मिक है। तो हमको अच्छा लगता है जो बंदा हमारी बहनें हमारे भाई सनातन की रक्षा करते हैं तो हमारा मन खुश होता है। सारी की फोटो वाली टीम भी जो लोग हमारे घर में हमारे भाई हैं। और मैं पुनः आपके यहाँ पे आने पर हार्दिक साधुवाद करता हूँ और ईश्वर से परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी लंबी उम्र हो,
और आप ऐसे यहाँ पे आते रहो, हमारे को अच्छे रास्ते पे लगाते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। शिवा इलेक्ट्रिकल की ओर से कुष्ठ आश्रम रोड प्रीतनगर जालंधर में एक श्याम साई लाडी शाह जी के नाम का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवालों ने साई लाडी शाह जी की महिमा का गुणगान कर सभी उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस दौरान सभी साई जी के भक्तों को बधाई देते हुए आयोजक शिवा कुमार ने कहा कि वे हर वर्ष ये शाम साई लाडी शाह जी के जन्मदिन के उपलक्ष पर करवाते हैं और इस दिन हम साई जी के दीवाने एकत्रित होकर केक काटकर एवं प्रसाद रूपी लंगर का वितरण कर सभी साई जी के भक्तों को इस पवित्र दिन की बधाई देते हैं। इस मौके पर सीनियर कांग्रेसी नेता घनश्याम अरोड़ा, बंटी अरोड़ा, नौनी शर्मा, कालिया कॉलोनी फेज टू के प्रधान रवि कुमार, बलजीत सिंह बिट्टू, विजय मुन्ना, बंटी संतोष पूरिया, राजा राम नगर सहित असंख्य साई जी के भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Thank you.
दर्शन भगवान के दर्शन शिवलिंग का समाई रे आनंद सवारी समाई रे गुरु की भगवान का समाई गुरु की भगवान का समाई गुरु की गुरु की शिवलिंग का समाई गुरु की शिवलिंग का समाई गुरु की श्री काशी धर्मापीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज नारायण सेवा समिति के प्रधान हरिकांत झा के निवास स्थान न्यू हरगोविंद नगर जालंधर में उन्हें आशीर्वाद देने पहुंचे। पहले विधि विधान से गुरु पूजा और भजन कीर्तन किया गया। इस मौके पर सावित्री देवी, गोपाल झा, दिव्या शर्मा, रानी लक्ष्मी शिवनग ने गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर नारायण सेवा समिति के भगवान दास शर्मा, अजय मल्होत्रा, अशोक मेहरा, किरण यादव, हिमांशु, संतोष तिवारी, कमला देवी, रमेश कुमार, शिव यादव, कविता सिंह, नीलम शर्मा, रितु शर्मा सहित सभी क्षेत्रवासियों ने उपस्थित होकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। देवाः सदा पुंसि बृहति विदिष्टसात्मेकं वर्तते नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाकुलितालकाये कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुमेव माता च ृणम श्री विश्वनाथम शरण प्रपादये। ओम कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तो श्री गुरु नानक देव जी का ज्योति ज्योत दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जालंधर छावनी में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस दौरान पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगतों को गुरु चरणों से जोड़ा, तो वहीं इस मौके पर डीएसपी जालंधर छावनी बबनदीप सिंह ने गुरुद्वारा साहिब में नए लगाए गए सोलर प्लांट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों की ओर से डीएसपी जालंधर छावनी बबनदीप सिंह को सिरोपा साहिब और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर प्रधान जोगिंदर सिंह टक्कर, सविंदर सिंह बीरू, महेंद्र सिंह बावा, जगमोहन सिंह जोगा, हरशरण सिंह चावला, अमरजीत सिंह, हरविंदर सिंह पप्पू, हरजीत सिंह पप्पू, जसविंदर सिंह आनंद, सतपाल सिंह बेदी, हरविंदर सिंह सोढ़ी, विक्रम सिंह, गुरविंदर सिंह लांबा, दविंदर सिंह लांबा, जतिंदर सिंह राजू सहित अन्य संगत भी मौजूद रहे। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी लगाया गया। जलंधर छावनी से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। सत श्री अकाल सारियां नूं, मैनूं अज बहुत ही सौभाग्य प्राप्त होया कि साडे प्रधान टीटू जी ने मैनूं इत्थे सोलर पैनल दे उद्घाटन वास्ते बुलाया है। मैं बतौर ए सी पी कैंट 3 दिन पहला ही चार्ज लिया है। अज तो 2 साल पहला भी मैं ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਇਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣੀ ਵੇਗ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੋਲਰ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
सारे ने अपना बड़मुला योगदान दे के अपना काम समझदे हुए बड़ी सोहनी ड्यूटियां निभाइया और जिदे करके सानू ये सारिया प्राप्तियां होईयां और बिल्डिंग दे होर भी काम चल रहे ने उहदे विच भी संगत अपना बहुत प्यार समर्थन दे रहे ने हाजिर हुई सारी संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु खालसा। और अब हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। थाना सिटी बरनाला और धनोला थाने की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 50 ग्राम हेरोइन, 50 नशीली गोलियां, 1,00,000 रुपए की ड्रग मनी, चावल की 20 गांठें और 3 गाड़ियां बरामद। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने फर्जी वीजा लगाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 दोषियों को किया गिरफ्तार। 26,70,000 रुपए नगद और 5 पासपोर्ट किए बरामद। जीरा के सनेर गांव में चोरों ने रात के समय खेतों में लगी पानी की मोटरों पर लगे लोहे के गेट किए चोरी। ग्रामीणों ने चोरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।